हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइस। तो आज मैं जिस वीडियो रिएक्शन देने जा रही हूँ उस वीडियो का नाम है सलमान खान का वो सॉन्ग है। वेट मेरे ग्लासेस पे। ओके, तो सलमान खान का वो सॉन्ग है एंड वो जस्ट अभी आया है एक घंटे पहले। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ सॉन्ग को देखने के लिए, क्योंकि उसका मैंने टीज़र देखा था कल एंड उसका टीज़र मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड उसका सॉन्ग सुन के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसके सॉन्ग पे रिएक्शन दे दूँ तो उसके लिए चलते हैं वीडियो के अंदर। एंड गाइस, दिस इज़ माय न्यू ग्लासेस, लाइक नॉट न्यू नहीं है बट या इसको मैं पहनूँ या हटाऊँ, मुझे पहन के अच्छा लग रहा था बट हटा के मैं कोई कम नहीं लग रही हूँ। थोड़ा हटा के देख लेते हैं ठीक है। मेरा कैमरा हिल रहा है, डुक 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 लाइक दैट। ओके एंड तो मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ उसका सॉन्ग देखने के लिए, उनका सॉन्ग देखने के लिए। ठीक है, वेट एक सेकेंड हूँ शायद आप। ओके, तो हम चलते सीधा वीडियो के अंदर। सॉन्ग का नाम है तेरे बिना एंड गाइस प्लीज़ इग्नोर माय हेयर, मेरे हेयर कुछ ज़्यादा ही आज मैसे लग रहे हैं। लाइक मतलब मैंने अपने बालों को जस्ट कॉम्ब भी नहीं कर रखा है, मैंने ऐसे ही बना लिया इनको, यू नो मैसे हेयर, हु केयर्स। ओके छोड़ो, तो हम चलते हैं सीधा वीडियो के अंदर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इट्स गेट इनटू इट। एसकेटीवी
मेरे साथ या तेरे बिना। ये कौन है? आई गेस ये उसकी बेटी है, इनकी बेटी आई गेस, आई एम नॉट श्योर बट सो ये सॉन्ग था, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा सॉन्ग था ये, मतलब यार सीरियसली। वेट मैं अपने चश्मा पहन लो बनाना है क्योंकि मुझे इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सॉन्ग था ये, एंड मैंने बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये सॉन्ग इमोशनल निकलेगा। मतलब लाइक शुरुआत में वो उसके साथ रहती है, मतलब जैकलिन उसके साथ रहती है, बट लास्ट में वो सब उसको मतलब यू नो सोच रहा होता है, मतलब कहते हैं कि तेरे बिना मैं जी ना पाऊँ, मतलब आई डोंट नो मुझे तो। वाओ बहुत ही प्यारा सॉन्ग है यार, मतलब एंड इसके अंदर इन्होंने यू नो नॉट इन्होंने मतलब शुरुआत में दिखाया था कि मतलब कि वो सोच रहा है कि उसके साथ है, उसके साथ बैठी हुई है, उसके साथ यू नो हॉर्स राइडिंग पर, जब वो हॉर्स राइडिंग साथ मतलब वहाँ थी वो, एंड स्विमिंग पूल में थी वो, उस बेड पे थी वो, एंड और मतलब जहाँ जहाँ पे इसने इसको याद करा है, मतलब जहाँ जहाँ पे ये गया है वहाँ वहाँ पे इसने इसको याद करा है, एंड लास्ट में जब दिखाते हैं ना कि वो एकदम से हट जाती है, एंड आई थिंक इन कि वो नहीं है उसके साथ, तो इस सॉन्ग का मतलब ये है कि तेरे बिना मैं जी रहा हूँ, मतलब यू नो। एंड आई थिंक लास्ट में ये एक लड़की दिखाई छोटी सी, आई एम नॉट श्योर बट अगर मैं कहूँ कि इन्होंने जैकलिन को इसके अंदर मार दिए क्या ऐसा होंगे अंदर, मतलब आई एम नॉट श्योर, क्योंकि लास्ट में वो फिर लड़की किसकी थी, मतलब अगर क्योंकि कोई बड़ी लड़की नहीं थी वो, ठीक है वो छोटी थी, मतलब एंड आई गेस कि वो इन दोनों की बेटी है, आई एम नॉट श्योर, एंड आई थिंक वो जैकलिन को इन्होंने शायद मार दिया है इसके अंदर, या आई एम नॉट श्योर मारा है या नहीं मारा, या फिर इन्होंने ये ऐसा ही लिखा है, आई डोंट नो, या फिर वो छोड़ के चली गई है उससे, ठीक है या बट आई एम नॉट श्योर कि इसमें बेसिकली जो उसकी स्टोरी है, बेसिकली जो उसकी लास्ट की जो स्टोरी है वो क्या है, बट मुझे तो ये लग रहा है कि लास्ट में या तो उन्होंने उसको मार दिया या फिर वो छोड़ के चली गई है, ठीक है, मतलब तेरे बिना हम रह ना सकें लाइक कुछ इस तरह का है। एंड मतलब मुझे बहुत सा सॉन्ग लगा यार सीरियसली, मतलब मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा सॉन्ग निकलने वाला है, ये ऐसा सॉन्ग निकलेगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सॉन्ग होगा ये, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट, बट सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बिल्कुल ज़्यादा बेकार कह सकते थे, बहुत अच्छा सॉन्ग था। एंड आई गेस ये वेट ये इसने अपने सलमान खान ने अपने खुद के चैनल पे डाल रखा है ये अपनी वीडियो, मतलब इसने खुद का इसका चैनल बना है, मतलब इसने अपना बनाया है, एंड इसके अंदर और उसमें लिखा है कि इसके अंदर लिखा है, इसके शायद डिस्क्रिप्शन में लिखा है, अमिड्स द लॉकडाउन ब्लूज कम्स अ फ्रेश रोमांटिक ट्रैक ऑफ द सीजन इन द फॉर्म ऑफ तेरे बिना, लिसन टू माई न्यू रोमांटिक ट्रैक फीचरिंग जैकलिन फर्नांडिस। ओके तो मतलब इन्होंने इसमें ये बोला है कि मतलब लॉकडाउन के अंदर इन्होंने इसमें एक बहुत ज़्यादा इन्होंने यू नो फ्रेश एंड रोमांटिक ट्रैक इन्होंने बनाया है इस मतलब इस सीज़न के अंदर, एंड इस फॉर्म में ऑफ तेरे बिना के फॉर्म में, तो या लिसन टू माई न्यू रोमांटिक ट्रैक फीचरिंग जैकलिन फर्नांडिस, या बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, मतलब मुझे तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा सॉन्ग लगा, एंड मैंने बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये सॉन्ग इतना ज़्यादा मतलब ना इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं है, बट या इमोशनल निकले गाई लास्ट में, बाकी ओवरऑल द सॉन्ग इज़ वेरी अमेजिंग, और ये सॉन्ग सलमान खान ने खुद गाया है तो उसकी आवाज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब ये सॉन्ग को मैं 10-15 बार और सुन लूँगी क्योंकि मुझे सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा है, मुझे इसके लिरिक्स भी अब याद करनी है क्योंकि बहुत अच्छा सॉन्ग है, ठीक है। एंड आई थिंक इसने अपने और भी शायद सॉन्ग डाले, इसका नाम नॉट श्योर या बट बहुत ही अच्छा सॉन्ग था, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा सॉन्ग लगाइए, एंड दैट्स इट आई होप। और इसका सॉन्ग और इनका सॉन्ग जल्दी जाके देखो यार, अभी अभी आया है इनको, ऑलमोस्ट
बहुत ज़्यादा लोगों ने इनको देख चुके हैं, तो जल्दी से जाके देखो इनके चैनल को, सॉरी सॉन्ग को, एंड सॉन्ग को प्यार दो, एंड उसी तरह मेरी वीडियो को प्यार दे दीजिए, ठीक है। दैट्स इट गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू डू देन प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप कर क्या रहे हैं अभी तक, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अभी के अभी, ताकि आप कोई भी मिस ना करें मेरे प्यारे से प्यारे वीडियोस को, एंड मुझे आप मिस ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आपको उसके आगे जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस करना पड़ेगा, ताकि जब भी मैं अपनी कोई न्यू वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए आपके पास। तो अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, तो बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। कमेंट करके ये बताएं कि मैं और किस वीडियो पर रिएक्शन दूँ। दैट्स इट, बाय, स्टे होम स्टे सेफ।